ब्राजील के राज्य स्वास्थ्य सचिवों ने सोमवार को देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का आह्वान किया है, क्योंकि एक बार फिर अस्पतालों में गहन देखभाल इकाई के बेड कम पड़ने लगे हैं। बताया गया कि एक बार फिर यहां वायरस हावी हो रहा है और तेजी से कोविड-19 से देश भर में हुई 1000 से अधिक लोगों की मौतों के बाद अस्पतालों में हाल फिर नाजुक होते जा रहे हैं। ब्राजील के नेशनल काउंसिल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरीज ने एक खुले पत्र में कहा कि उन क्षेत्रों में अधिकतम स्तर पर प्रतिबंध होना चाहिए जहां 85% से अधिक अस्पताल के बिस्तर भर चुके हैं। काउंसिल ने यह कहते हुए कि महामारी शुरू होने के बाद से राष्ट्र अपने सबसे खराब क्षण का सामना कर रहा है, कहा कई राज्यों में महामारी की वापसी उनके निजी और उनके सार्वजनिक सहायता नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है और इससे ब्राजील के सभी क्षेत्रों में दोबारा फैलने का जोखिम बढ़ गया है। बता दें कि यहां टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी गति को भी कसूरवार ठहराया जा रहा है। पिछले हफ्ते महामारी की शुरुआत के बाद से ब्राजील का सबसे घातक समय रहा, जिसमें वायरस से 8,244 लोगों की मौत हुई। काउंसिल के पत्र, जो देश के 27 स्वास्थ्य सचिवों का प्रतिनिधित्व करता है, ने शहरों में लॉकडाउन का सुझाव दिया जहां कोई भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है और बाकी के हिस्सों में 8 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू की सिफारिश। काउंसिल ने फिर से सभी समारोह पर रोक की मांग की है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।